पंजाब में गिरते जलस्तर और पराली की समस्या से निजात पाने के लिए मान सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। और यही वजह है कि पूसा 44 धान की खेती करने वाले किसान अब धान की दूसरी प्रजातियों की खेती करना शुरू कर चुके हैं। ये संगरूर के अमरीश सिंह और नाजर सिंह हैं, जो पेशे से किसान हैं और अब तक अपने खेतों में धान की पूसा 44 प्रजाति की बुआई करते थे, पर इस बार ये लोग अपने खेतों में पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम खेत में पूसा 44 लगा रहे हैं और अधिक से अधिक पीआर किस्म के प्रजाति वाले धान की बुआई करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं जी 40 किले की खेती कर रहा ते पिछली बार तो पूसा 44 लाई सी सारी। इस बार पूसा 44 दी पनीरी असी रखी नहीं सी, क्योंकि पहला सरकार वालों आया सी भी तरीक लेट करांगे सी, ते जो बाद फिर इन्होंने कहता भी असं 15 तरीक लाइट छड़ रहे हैं। फिर तकरीबन सारे भी जिन्हें भी किसान से अपने पिंड किसी को है नहीं सी पनीरी, फिर किसी ने कितों ली किसी ने कितों ली, फिर पूछा का बीज थोड़ा थोड़ा ले लिया। इसलिए हुण असीं की कर रहे हैं, मतलब अद्धी कता पूछा ला रहे हैं ते अद्धी क जिवें 126 आ गई ते जां बांसपति हो लवां। ते मैं 26 एकड़ की खेती करदा ते पूछा दा इस बार मैं पिछली बारी लाया सी मैं 10-12 किले ते ऐतकी मैं लाए ने 7 किले, यानी लगभग 6-7 किले मैं पूसा तो घटा चुका, तो बाकी का हूँ हौली हौली 131 बांसपति 26 जिमें जिमें टाइम वह लावे। हम लवाई कदों तक चलेगी, पहले तो 10 जून तो शुरू हो जाती थी, हमें लवाई चल रही है जी 26 की है। 26 का गांह 10-15 जुलाई तक चली जाऊगी, 15-20 तक भी चली जी है। झाड़ उपर फर्क तो नहीं पैंता? नहीं, मैं पिछले 4-5 साल तो 26 लाऊ आ रहा जी, कोई बहुत फर्क नहीं पा, थोड़ा बहुत घटता है 26 का झाड़, पूसा पर इन्ना ज्यादा नहीं घटता है। वो ही अपना खर्चा बच रहा, स्प्रे का खर्चा बहुत बच जाता, एक स्प्रे होंगी वो उपर, पूसा 3-4 स्प्रे ले जाती है। आपको बता दें कि पूसा 44 प्रजाति की पैदावार अच्छी होती है और उसे बेचने पर किसान को अच्छे पैसे भी मिलते हैं, पर समस्या ये थी कि इस धान की प्रजाति को तैयार करने में 125 से लेकर 130 दिन लगते थे, जिसके चलते पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा होता था। पर अब जब मान सरकार ने पूसा 44 पर बैन लगा दिया है तो किसान भी पूसा 44 से होने वाले नुकसान को समझकर धीरे धीरे अपना मन बदल रहे हैं। ये भी पंजाब सरकार वालों जदों का पूछा 44 का मतलब ज्यादा लंबिया किस्म ने जिहड़ियां पकड़ वाली उन्होंने बैन किया गया है, उस तो बाद जो किसान का रुझान हैगा दूजिया वरायटियां वाल वध रहा है, ठीक है, उहदे चों निकल के सामने आया भी पीआर 131 126 जिहड़ियां आम फर्मल किस्म ने उन्हों का जो रकबा हैगा काफ़ी हद तक वधेगा। अनुमानित है भी 25-30% के लगभग जो रकबा हैगा उन्हों फसलों थले आएगा, मतलब परमल वरायटी थले आएगा, और नाल ही एक ट्रेंड यह भी है भी उस तो उल्ट जो बासमती थले भी साड़ी कोशिश है। पारंपरिक खेती के तरीकों में हो रहे इस बदलाव से प्रवासी मजदूर भी बेहद खुश हैं, क्योंकि पहले जहां 20 दिन में उनका काम खत्म हो जाता था, अब नई धान की प्रजाति खेती से उनका काम 1.5 महीने तक चलेगा। मैं 15 साल से जीरी लगा रहा हूं, तो इस बार मौसम अच्छा दिख रहा है, और इससे पहले के 2-4 दिन पहले बहुत धूप था और काम कम हो रहा था, इस बार जिम्मेदार नई फसल लगाते हैं सर। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में धान की सबसे ज्यादा खेती होती है। अकेले पंजाब की बात करें तो मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान लगाया जाता है और संगरूर में लगभग 2,38,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। अब देखना ये भी होगा कि मान सरकार की मुहिम किस हद तक पंजाब में कारगर साबित होती है और इससे किसानों को कितना फायदा होता है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।